हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल माय लाइफ शैडो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो थ्रेडिंग को लेके है। मैं आज थ्रेडिंग सेल्फ करने वाली हूँ और बहुत ही इजी रहता है, बहुत आसान तरीका आज मैं ऐसा आपको बताने वाली हूँ कि आप सेल्फ बहुत अच्छे से थ्रेडिंग अपनी कर पाएंगे। मोस्टली क्या होता है कि बहुत कम ऐसे पार्लर होते हैं जिनकी हमें थ्रेडिंग पसंद आती है या शेप पसंद आती है, मोस्टली खराब ही हो जाती है। मेरे साथ खुद ऐसा है कि मेरी थ्रेडिंग बहुत कम लोग बना पाते हैं और ज़्यादातर क्या होता है मेरे साथ कि मेरी शेप खराब ही रहती है। तो अब मैंने बाहर जाके थ्रेडिंग कराना बिल्कुल छोड़ दिया है। एक ये जो कहते हैं कि रेजर आजकल आ रहा है मार्केट में, आईब्रो रेजर इसको बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये रेजर मैंने मीशो से मंगाया है, बहुत ही कम रेंज का ये मेरे को मिला है। मुझे 3 पैकेट मिले हैं, इस तरह से ये 9 मिले हैं मेरे को, समथिंग कुछ 250 रुपीज में मेरे को मिले हैं ये। और बहुत आसान है इससे थ्रेडिंग बनाना, एक दो बार मैं बना चुकी हूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि जिसको जो चीज़ पता लग जाए अच्छा ही है। और सेल्फ तो सेल्फ ही होता है कि मान लो हमें कभी टाइम नहीं है बाहर जाने का, तो हम सेल्फ भी कर सकते हैं और आसान भी रहता है। तो इसे करना कैसे है, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत फील हुई थी, लेकिन जब मैंने बाद में इसको दोबारा से ट्राई किया ना तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा, क्योंकि इसका तरीका अगर सही है करने का तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको थ्रेडिंग करने में। और मैं एक सलाह और आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप अपनी थ्रेडिंग इससे कर सकते हैं और ये जो आपके ये वाले एरिया के ये जो बाल होते हैं आईब्रो के ऊपर, ये साफ कर सकते हैं आप इससे, इस वाले से, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो थोड़ा सस्ता वाला ही है। एक इसमें अच्छी रेंज का भी आता है तो वो आप अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, पूरे फेस पर, मतलब पूरे फेशियल हेयर आप उसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसमें इतना मुझे लगता है दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसको अपने पूरे फेस पे ट्राई करते हैं तो बहुत 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 नुकसान हो सकता है आपका, मतलब फेस खराब हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको। मैंने जब फर्स्ट टाइम मतलब वीडियोज ही देखी थी मैंने इसकी, तो सब लोग अपने यहाँ पर लिप्स, फोर हेड और फेसियल हेयर जो होते हैं हमारे ये वाले, ये सब इससे रिमूव कर रहे थे। तो मैंने सोचा अगर मैं ये तो नहीं करूँगी इससे, क्योंकि मैं वैक्स कर लेती हूँ पूरे फेस पे, अपलिस वगैरह मैं सब वैक्सिंग से कर लेती हूँ, लेकिन ये मेरे को वीडियोस में देख के कुछ इजी लग रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने अपर लिप्स इससे बना लिए, ये जो है ना ये अपर लिप्स मैंने बना लिए। तो पता है क्या हुआ मेरे साथ, मेरे जो हेयर हैं जो पहले लाइट थे वो बहुत मतलब हार्ड आए, यहाँ के तो बहुत लाइट होते हैं और अभी भी ना आप देखेंगे यहाँ पे मेरे बहुत मतलब आ रहे हैं, पहले जैसे हार्ड हेयर आ गए मेरे, और यहाँ पे बहुत ही लाइट थी तो यहाँ पे भी पहले से थोड़े हार्ड आ गए मेरे बाल, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा ये सब करना। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इसे अपने अपनी जो आईब्रोज है वो कर सकते हैं और फोरहेड के ये वाले जो हेयर्स हैं वो निकाल सकते हैं, बाकी के ये वाला एरिया ना करें तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि और ज़्यादा आएंगे तो वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। और ये भी ना करें, बाकी के मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे फेस पे इसे आप ना यूज़ करें, सिर्फ आईब्रोज के लिए यूज़ करें आईब्रोज, और ये आपके जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं यहाँ पे उसके लिए आप आसानी से यूज़ कर लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और इसे इससे थ्रेडिंग कैसे करनी है, मेन हम थ्रेडिंग बताने वाली हूँ मैं, तो थ्रेडिंग कैसे करनी है, थ्रेडिंग करने का एक तरीका है, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई ना करें। पहले मैं आपको इसके ये रेजर दिखा देती हूँ कि ये रेजर है कैसे। कुछ ना आपको इस तरह की पैकेजिंग में मिलेंगे ये, ठीक है। इसमें 3 रेजर हैं और इसको कहते भी आईब्रो रेजर ही हैं, यहाँ पे लिखा है कि आईब्रो रेजर है। तो इसमें से मैं निकाल लेती हूँ, वैसे मैंने एक पैकेट इसका खोला भी है तो मैं उसी में से निकाल के दिखा देती हूँ आपको। इसमें से मैंने एक रेजर निकाल भी लिया है, तो इसमें से ले लेते हैं, ये वाला ले लिया हमने। तो ये रेजर है देखिए, कुछ इस तरह से है ये, और ये एक कवर मिलता है इसके साथ आपको, ये कि सेफ्टी कवर इसको कह सकते हैं। और जब आप इसे यूज़ कर लेंगे तो आप इसी में वापस इसको इस तरह से क्लीन करके रखना है, इसको क्लीन करके बाद में इसको आप रख सकते हैं, तो ये ठीक रहेगा, हाइजीनिक नहीं होगा तो ये ठीक रहता है, इसीलिए उन्होंने ये कवर दिया हुआ है। तो आप उसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको करना है, आपको अपनी कोई भी कोल्ड क्रीम ले लेनी है। तो मेरे मैं ये वाली कोल्ड क्रीम ले रही हूँ, आपके पास में जो भी है मॉइस्चराइजर क्रीम आप उसको ले लीजिए,
मॉइस्चराइजर क्रीम लेके आप इस तरह से अपनी आईब्रोज को ना सॉफ्ट बनाना है हमने, जहां पे हमने करना है ना इसको, वहां पे इस तरह से आप अच्छी सी क्वांटिटी में आईब्रो को इस तरह से कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यही होगा कि अपनी स्किन को बिल्कुल हमें नरम करना है यहाँ पे, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और रेजर बहुत इजीली चल जाए। डायरेक्ट अप्लाई ना करें क्योंकि फिर इतनी अच्छी क्लियरिटी भी नहीं आएगी और वो अजीब सा लगेगा जब आप करेंगे तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन देखिए प्रॉपर तरीके से अगर कोई चीज हम सीख रहे हैं या उसके बारे में हमें पता लग रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। बताने को मैं इसे आपको 2 मिनट में भी बता सकती थी इसका प्रोसेस, लेकिन पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है तभी ठीक रहता है। तो ये मैंने ले लिया। अब हमें करना क्या है, हमें इस तरह से अपने हेयर ये जो स्किन को हल्का सा थोड़ा खींचना है और आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इसको नीचे की साइड में ऐसे चलाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप सिर्फ देखते रहिए कि मैं इसको किस तरह से होल्ड कर रही हूं, किस तरह से इसको बना रही हूं। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने हेयर, सॉरी ये देखिए जो भी मेरे एक्स्ट्रा हेयर थे वो आ गए हैं और ये क्लियरिटी भी इससे इतनी अच्छी आती है क्योंकि जो हमारे फेस पे डेड स्किन होती है वो भी काफी हद तक निकलती है। तो ये बिल्कुल हो चुका है यहाँ पे जो मेरी सेप थी वो आ गई है। अब मैं इसी से ही करती हूँ, मुझे कहीं इतना आसान हो गया ना मेरे लिए थ्रेडिंग, क्योंकि एक तो बिना पेन के होता है, पेन बिल्कुल भी नहीं है और इतना इजीली हो जाता है और हमें अपनी मनपसंद की सेप भी मिल जाती है। और अब हम यहाँ से करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको ना ये अपनी स्किन को यहाँ से खींच के रखना है इस तरह से, अपनी इस वाली फिंगर से इस तरह से यहाँ पे होल्ड करना है और हमें ऊपर की तरफ ही ना स्किन को टाइट करना है, जैसे हम अपनी आइस बॉल को ऊपर को चढ़ाएंगे इस तरह से, ऐसे 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 करके ये खींच जाएगी, ये खींचेगी स्किन जब हम इसको थोड़ा टाइट करेंगे। तो अब देखिए इसको ना हम यहां से इस तरह से करेंगे। जहां से जैसी आपने सेप देनी है उस तरह से इसको रख लीजिए। ये देखिए तो जितने हेयर मैंने निकाले थे इस पे, देखिए बहुत सारे हेयर हैं यहाँ पे इस पे लगे हुए हैं जो मैंने यहाँ से निकाले हैं। तो ये देखिए ये जो मेरे हेयर थे, क्योंकि मेरी अभी इतनी सारी ग्रोथ नहीं है और दूसरा कि मेरी थ्रेडिंग की शेप मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि खराब हो चुकी है, मुझे ना यहाँ से थोड़ी मोटी थ्रेडिंग अच्छी लगती है और पार्लर में जाके वो बिल्कुल पतली सी कर देते हैं तो मुझे बहुत बेकार लगती है। यहाँ से भी बिल्कुल पतली सी हो चुकी है और मैं यहाँ से थोड़े से अपने बाल छोड़ी हूँ जिससे कि वो मोटी हो जाए। अब मैं अपने मनपसंद की जैसे मैं चाहती हूँ वैसी शेप आप निकाल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ज्यादा पतला नहीं कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसी चाहें वैसी शेप दे सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी पेन नहीं होता और बहुत इजीली आप अपनी थ्रेडिंग इससे बना सकते हैं।
जैसी आप शेप चाहें तो वैसी शेप आप दे सकते हैं। तो सेम दूसरी तरफ से भी आपको ऐसे ही करना है, इस तरह से होल्ड करना है और ये इस तरह से आप इसको यहाँ से बना सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता, किसी तरह का कटने का डर नहीं है कि हाँ चलो हमारी स्किन कट जाएगी इससे, इससे बिल्कुल भी हमारी स्किन नहीं कटने वाली। सिर्फ 2 मिनट का काम है और आपके आईब्रो टन। ये मैंने अपने थोड़े से हेयर छोड़े हैं, मैं पूरे नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं अपनी लेंथ छोड़ रही हूँ, थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी शेप को पूरा प्रॉपर दे पाऊंगी जैसे मुझे चाहिए। और यहाँ से आप इसको इस तरह से बहुत आसान है, जैसे मर्जी इसको आप चलाइए, कोई कटने का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आप अपनी हेयर को देख के करें जिससे कि आपके शेप ना बिगड़े। ये देखिए कितने सारे हेयर मैं निकाल चुकी हूँ अपने, और बहुत आसानी से बिना दर्द के सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ, जितने मर्जी आप हेयर निकाल लीजिए अपने। सबसे अच्छी बात है कि कटता नहीं है, तो आप इस तरह से इससे अपनी थ्रेडिंग बना सकते हैं, लेकिन अपर लिप्स और बाकी की जगह मैं यही कहना चाहूंगी कि ना यूज करें क्योंकि वो आपके लिए ही नुकसान है, और सही बताना ही हमारा काम है। मैं गलत कभी एडवाइस नहीं देना चाहूंगी, जो सही है वही बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद अपने ऊपर, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ जब मेरी यहाँ पे हेयर हार्ड आ गए, बहुत बुरा लगता है बाद में क्योंकि ये चीजें इतनी जल्दी हटती नहीं है, इतनी जल्दी जाती भी नहीं है, तो वो आप सबके साथ ना हो, तो ये मैं बताना जरूरी समझा मैंने आपको। आगे आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये ठीक लगा, ये देखिए कितने सारे हेयर हैं इस पे, तो आप इसको पहले क्लीन कर लीजिए किसी चीज से और उसके बाद में इसमें कवर में डाल के इसको रख दीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ऐसी और भी जानकारी मैं आप लोगों को देती रहूंगी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।